હુબહુ ઓશો રજનીશ જેવો વેશ, દાઢીની એ જ સ્ટાઇલ, પ્રવચનનો એ જ મંત્રમુક્ત કરી દેતો અંદાજ. क्योंकि मुझे कोई रस ही नहीं था, किसी से जीतने का कोई भाव नहीं था. हाँ, मान लो दौड़ने में आनंद आता है तो मैं अकेला दौड़ लूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा, इवनिंग वॉक करूंगा, फुटबॉल की गेंद के पीछे क्यों दौड़ू. दौड़ने का रस है, तैरने का रस है, मुझे ऐसी चीजों में रस था जिसमें अकेले का हो जाता है. तैरना अकेला हो सकता है, मॉर्निंग वॉक अकेले हो सकती है, दंड बैठक लगाना है, व्यायाम करना अकेले हो सकता है. आ व्यक्ति बीजू कोई नहीं પણ ખુદ ઓશો રજનીશના નાના ભાઈ સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી એટલે કે ઓશો શૈલેન્દ્ર છે. કોઈ તકલીફ નહીં, પતિ પત્ની કા ઝઘડા હે, બાપ બેટે કા ઝઘડા હે, ભાઈ ભાઈ કા ઝઘડા હે. જેનાથી એક સમયે અમેરિકી સરકાર પણ ડરી ગઈ હતી, તેવા ઓશો રજનીશને કોઈ નજદીકથી જાણતું હોય તો તે છે સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી. નહીં દેખી, મેં તો રજનીશપુરમમાં જી રહા થા, ઓશો કી છત્ર છાયામાં. મુજે બહારની ચીજોં કા તો કુછ ખબર નહીં હે, છોટી મોટી કુછ સૂચનાએ મિલતી હોંગી. हम लोग तो बहुत आनंद में थे, उत्सव में थे, 24 घंटे उत्सव था. आश्रम का कम उनका जो काम था वो काम किया करते थे. बाहर जो हो रहा था वो एक अलग घटना है, भीतर जो हो रहा था वो स्वर्ग था. दिव्य भास्कर साथेनी वाचितमां स्वामी शैलेन्द्र सरस्वती ओशो रजनीश साथेनी एक घटना ने याद करता कहे छे कि कॉलेज ना जे प्रिंसिपले तेमने काढ़ी मुक्या हता, तेमनु ज ओशोए नौकरी माटे इंटरव्यू कर्यु हतु. ओशो ने उनके चरण छुए, जैसा कि वो करते थे अपने शिक्षकों का सम्मान. वो कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझे पता है आप आर्थिक परेशानी में है, आपकी वो नौकरी किसी कारण से चली गई है, तो परिवार का बड़ा बोझ है आपके ऊपर और आपको ही हम यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं. ओशो ने उन्हीं को अपॉइंट किया. ओशो रजनीश से अभिनेता विनोद खन्ना ने कहूं कि दिल्ली जाओ और अमिताभ सामे चूंटनी लड़ो. विनोद जी भारत वापस लौटे तो बजाय फिल्म इंडस्ट्री में जाने के और परिवार वालों से जुड़ने के, वो राजनीति में संलग्न हो गए और बच्चन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी. ए समय एवो हतो कि जारे मोटा नेताओं थी लेने अभिनेताओं पर ओशोना विचारों की असर हती, त्यारे सवाल ए हतो कि आचार्य रजनीश ओशो रजनीश केवी रीते बन्या. 1970 तक ओशो एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे, वही उन्होंने अपना नाम भी रखा था. लेकिन फिर समय आ गया कि अब जो स्टूडेंट्स की तरह लोग आए थे, लाखों लोग, इनमें से कुछ हजार लोग शिष्य बन सकते हैं, जिनकी खोज चल रही थी वो लोग मिल गए हैं. तब उन्होंने नया रोल निभाया, गुरु होने का रोल. अपने नाम को भी उन्होंने बदल लिया और शिष्यों को नया नाम देना शुरू किया. સ્વામી શૈલેન્દ્ર સરસ્વતી કહે છે કે મને ઓશોના ભાઈ કરતા ઓશોના શિષ્ય તરીકે ઓળખાવાનું વધુ પસંદ છે અને આવનારો સમય ઓશો યુગ હશે. વિક્રમ મહેતા, દિવ્ય ભાસ્કર. શેર એન્ડ ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ.